वक्त है चाय पर चर्चा का। कुशीनगर से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए और समझिए चाय पर किसकी कितनी चर्चा है। नमस्कार, मैं हूं मनीष मिश्रा, इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम चाय पे चर्चा में आपका आप सभी का स्वागत है। सातवें और अंतिम चरण के मतदान में महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। कुशीनगर में होने वाली चुनावी जनसभा और रैलियों के बीच यहाँ का सियासी पारा काफी बढ़ गया है। आइए हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं कि क्या है उनके मुद्दे और किन मुद्दों पे वो अपने सांसद का चुनाव करेंगे। 1 जून को यहाँ पे मतदान होना है, क्या है आपके मुद्दे, किन मुद्दों पे अपने सांसद का चुनाव करेंगे? मुद्दा यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार सफल भी है, तो इस बार भी हम लोग वर्तमान सरकार के ही साथ हम लोग रहेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रोजगार नहीं है, चीनी मिल नहीं चली है। क्या रोजगार नहीं है, तो चीनी मिल उन्हीं की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में बंद हुई थी। और रोजगार की बात कर रहे हैं तो इस पूरे प्रदेश में 2017 के बाद देख लीजिए, पूरे जितने निदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं और सहायक अध्यापक हैं, उनके पूरे प्रदेश में 6,28,971 पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। और 17 के बाद से 1,28,913 नौकरी देने का काम सरकार ने किया। कौन कह रहा है कि नौकरी नहीं दे रहा है, रोजगार नहीं? करोड़ों करोड़ रोजगार हम लोग विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, पीएम निधि के माध्यम से, मुख्यमंत्री के निधि के माध्यम से तमाम करोड़ों करोड़ युवाओं को रोजगार मिला। कौन कह रहा है रोजगार नहीं है? आप अभी कह रहे हैं कि करोड़ों युवाओं को रोजगार, क्या इनकी बातों से कितना सहमत है? देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार जो 10 सालों में इस देश में काम की है, वह काम अविश्वसनीय काम हुआ है। हमारी बात को थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, 10 सालों में भारत को वह ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया है कि पूरे विश्व के मंच पे देखा जाए, पूरे विश्व में तो भारत को एक अलग दृश्य देखा जा रहा है। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी रोजगार हो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बारे में भूरी भूरी जितना कम प्रशंसा किया जाए उतना कम है। और रही बात गारंटी की, तो अब तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी 400 पार जो है, ये मोदी की सरकार जो है वो पार करने जा रही है। और पूरी गारंटी है कि जो है भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और रही बात यहाँ की कुशीनगर जनपद की लड़ाई के बारे में, तो विजय दुबे जी बहुत भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हर क्षेत्र में कभी भी आप जाके मिल सकते हैं, कोई भी काम, कोई भी समस्या लेकर उनसे जो है आप कभी भी मिल सकते हैं। वह यहाँ के स्थानीय सांसद हैं और उनका काम जो है वह बहुत ही अच्छा काम है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस बार उनको रिकॉर्ड मतों से यहाँ से चुनाव जिताया जाए। कितना सहमत है विजय दुबे जी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहा है, कितना सहमत है? बिल्कुल नहीं जीतेंगे, ये सरकार जुमलों की सरकार है, झूठों की सरकार है। झूठ बोल करके ये राजनीति में आए हैं, झूठ बोल करके ये सत्ता पाए हैं। बेरोजगारी, महंगाई अपने चरम सीमा पर है। इस समय बेरोजगारी इतना है कि लोग जो है सड़कों पर, बालक जो है, बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। इनके सरकार में ये खाली झूठ बोलते हैं, हिंदू मुसलमान खाली करते हैं, खाली धर्म के नाम पर जो है वोट कराते हैं, ये खाली धर्म के नाम पर जो है हिंदू को एकत्रित करके अपना जो है सत्ता हासिल करते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत है और इस मरतबे यहाँ से विजय दुबे जी बहुत रिकॉर्ड मतों से हारेंगे और 150 से ऊपर ये गठबंधन NDA पास नहीं करेगी, 150 से नीचे ही रहेगी। उच्च शिक्षा की बात होती है तो यहाँ पे सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है। क्या किया? कोई काम नहीं किया है, कोई दिखाई नहीं दिया है, कोई कुछ, कोई काम देने से थोड़ा, कागज में देने से थोड़ा, कोई धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब जुमलेबाजी करते रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनता तो सब समझ रही है, जनता तो सब समझ रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कितना सहमत है आपकी ये सरकार काम सही तरीके से नहीं की है रोजगार के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में? कुछ कमियां तो है, ऐसा क्या है, रोजगार देना चाहिए और सर्विस देना चाहिए, बाकी बहुत बढ़िया है मोदी सरकार और योगी सरकार। आज तक 10-7 साल में कहीं दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, इतना बढ़िया सरकार कुछ नहीं है। और सब कहने के लिए है, मोदी जी सीधे सीधे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इसमें जाति मजहब की कोई इसमें लाना ही नहीं चाहिए। ये लोग जाति मजहब के केवल खेल रहे हैं लोग, बस चुनाव जीतने के लिए, ठीक ना? मोदी जी को बढ़िया 400-500 वोट ज्यादा अधिक जीतेंगे वोट, भाजपा की सरकार बनेगी। जैसा क्या नाम है आपका, कितनी उम्र? निजामुद्दीन अंसारी। कितना उम्र हो गया? 65। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब हम कुछ आंकड़ा नहीं लगा सकते अभी, फिर भी सरकार के, मौजूदा सरकार के काम से संतुष्ट हैं आप? हैं।
लगता है कि मोदी सरकार वोट देनी चाहिए या कितना चाहिए? राजा लोग देख रहे हैं, वही वही सब चल रहा है मोदी का। जो योजना है आप तक मिली है आपको? मिली है। हाँ, क्या क्या योजना है आपको? वही माले के राशन वाला मिलता ही है, उसके बाद से और बिल्डा वाला मिलता ही है, और आवास मिला ही है। संतुष्ट हैं? हाँ। क्या नाम आपका और मोदी सरकार की योजनाओं से आप संतुष्ट हैं? हमारा नाम तपेश्वर है। ऐसा बात है कि जो खेती किसानी वाली काम है, जो मोदी ने पैसे जितने आता है गरीबों को, कितने गरीबों को रुक गया है, क्यों नहीं रुक, क्यों रुक गया कि गरीब पाता ही नहीं है। सरकार जो बना है वो सरकार ठीक ही है, इसमें गलती कोई नहीं है, ठीक है ना भैया। और जो इतना परेशानी जनता झेल रही है कि हर महीने में वो अथी करा रहे हैं। क्या लगता है कि कौन जीतेगा इस चुनाव में? ये आंकड़ा तो कोई नहीं है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, सरकार मोदी का अभी इतनी दिन तक अभी चलता है। अब माननीय वोट मानते हैं, हम वोट मारेंगे तो भाई किस को योजना चला रही है सरकार, उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, ये मुख्यमंत्री आवास मिला है, उसके अभी दो आदमी का ऑपरेशन हुआ है, प्रधानमंत्री 5 लाख का बीमा वाला क्या चाहिए, राशन मिल ही रहा है, उसके बाद से प्रधानमंत्री आवास मिल भी किया है, मुख्यमंत्री आवास भी किया है, हमारे खुद आवास मिला हुआ है, उसके बाद 5 लाख का बीमा हमारे घर में चार आदमी, हम लोग चारों आदमी का बीमा 5 लाख का मिला हुआ है। अभी दो आदमी एक कुशवाहा है, उनका ऑपरेशन हुआ है वो 5 लाख के बीमा पे, उसके बाद एक जात के हरिजन है उनका ऑपरेशन हुआ पैर का गोरखपुर में। क्या चाहिए छोटे गरीब आदमी को लिए, क्या चाहिए? कोई पैसा मदद करने वाला है? लेकिन फिर भी मोदी इतना किए, 5 लाख रुपए कम किए, जुमलाबादी अजब पार्टी करती है, भाजपा नहीं करती है।